हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टिफिन के जिसमें खाना काफी देर तक गर्म बना रहता है। एक ऐसा टिफिन मिल्टन की तरफ से थर्मोस्टील का, जो कि वैक्यूम इंसुलेटेड है। वैक्यूम इंसुलेशन हर कोई वैसे जानता होगा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं तो थर्मोस्टील का वैक्यूम इंसुलेशन होता है। इसमें काफी देर तक टेम्परेचर रिटेन रहता है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे काफी सिमिलर टिफिन भी आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो टिफिन बड़े सस्ते थे और बिल्कुल सिमिलर देखने में लग रहे थे, तो क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में वो डिफरेंस भी बताएंगे और साथ ही साथ मिल्टन की तरफ से आने वाला एक बेस्ट टिफिन, जो कि विंटर सीजन में या ठंडी के टाइम में आपके लिए गरम गरम खाना सर्व कर सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, ठीक ठाक पैकेजिंग होती है। और यहां पर जो मैं दिखाने वाला हूं उसका मॉडल का नाम है टस्कनी 4। ये चार बॉक्सेस का टिफिन है, तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इस टाइप से आपको ये पैकेज मिल जाएगा। ये वाले टिफिन में मिल्टन आपको ऑफर करता है एक बहुत ही अच्छा क्लॉथ कवर, जो कि वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, और साथ ही साथ इसमें एक आपको सामने की तरफ पॉकेट मिल जाती है नैपकिन रखने के लिए, और भी कोई भी चीज एक्सेसरीज आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं। मिल्टन थर्मोसील की मार्किंग मिल जाती है। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिलती है एक लॉन्ग साइज की बेल्ट, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली जो बेल्ट होती है ये इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसको आप यहां पे आराम से फिट कर सकते हैं। तो यहां पे ये देखिए इस टाइप से ये यहाँ पे दोनों तरफ फिट हो जाएगी, जिससे अगर आप टिफिन को अलग से कैरी करना चाहें तो आपके लिए एक ये बेल्ट का ऑप्शन भी हो जाता है। तो इसको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कंप्लीट बेल्ट सिस्टम मिल जाता है। इसको जरा हटा देते हैं तो मिला जुला के इसमें 3 बेल्ट सिस्टम है। सबसे पहले ये स्मॉल बेल्ट दी हुई है, फिर ये एक आपको अलग से एक बड़ी बेल्ट दी हुई है, जो कि एडजस्ट आप अलग से कर सकते हैं। तो जरा सा टिफिन को ओपन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहां पे पूरी पैकेजिंग के साथ, ये बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ कह सकते हैं, टिफिन बाहर निकाल लेते हैं। तो टिफिन को जरा सा ओपन करते हैं और यहां पे एक और बेल्ट देखने को मिलती है। मतलब कंपनी में हर तरीके से आपको कैरी करने के ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहां पे ये टिफिन बहुत लग्जीरियस है, मैं आपको बता रहा हूं। मिल्टन का अगर बेस्ट टिफिन की बात करते हैं, बेस्ट टिफिन की रेंज की बात करते हैं, तो पहली चीज तो मिल्टन ही टिफिन में सबसे बेस्ट कंपनी है। दूसरी चीज है, मिल्टन में जो बेस्ट रेंज आती है वो आती है थर्मोस्टील की। तो यहां पे ये जो टिफिन आपको दिया हुआ है, इसमें एक और एडजस्टेबल बेल्ट मिलती है। अगर आप कवर के साथ नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। मिल्टन की ब्रांडिंग मिल जाती है नीचे की तरफ से, यहां पे मिल्टन का ये देखिए लोगो भी आपको मिल जाता है। अब 2-3 बातें मैं इस टिफिन में आपको आज बताने वाला हूं, वो अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो ये टिफिन है, ये इसका जो लिड होती है वो इंसुलेटेड आती है, मतलब डबल वॉल की लिड दी हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो इसको जरा साइड में रख देते हैं, फिर निकालते हैं इसके कंटेनर्स। कंटेनर्स निकालने के बाद मैं बता दूं, जो भी फूड मटेरियल है कंप्लीट आपका स्टेनलेस स्टील में रहता है। और इसको जरा ओपन करके एक बार पूरा बॉक्स आपको दिखा देते हैं। नीचे की तरफ मिल्टन, ये देखिए मिल्टन SC की मार्किंग बनी हुई है, जिसकी वजह से अगर ये कंटेनर्स चिटक जाते हैं तो मिल्टन आपको रिप्लेस करके दे देता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और इसका जो साइज दिया हुआ है ये है कि नॉर्मल अगर सिंगल पर्सन के लिए काफी बेहतर साइज है। 4 ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे आपको, ये कंटेनर मिल जाता है, ये एक आपको साइड में ब्रैकेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसके सहारे आप पूरा टिफिन निकाल और इसके अंदर रख सकते हैं। जरा सा इसको निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस बताता हूं कि उन टिफिन और ये वाले टिफिन में अंतर क्या होता है। देखिए, कभी भी आपको चेक करना है कि थर्मोस्टील टिफिन है तो ये ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ से आपको थर्मोस्टील मिलेगा, मतलब अंदर भी स्टील होगा, बाहर भी स्टील होगा, बीच में वैक्यूम इंसुलेशन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये वाले टिफिन जितने बेहतर तरीके से वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसमें और भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जरा सही वाले टिफिन को मैं इस तरीके से इसके अंदर रख देता हूं, फिर आपको इसके बारे में और थोड़ी बातें डिटेल में बताता हूं। तो अगर ये वाला टिफिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आप ले सकते हैं, स्टोर्स में भी अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ अगर और बेहतर डिस्काउंट में लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है, जहां से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताता हूं कि ये वाला जो टिफिन होता है, इनमें ध्यान देना होता है कि जैसे ये वाला जो टिफिन है, ये नीचे की तरफ से या कहीं से भी दबे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर ये टिफिन आपके दब जाएंगे तो अंदर का वैक्यूम खराब हो जाता है, तो ठंडा गर्म रखने में प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ ये वाले टिफिन जो है, अगर ये कहीं से भी दब जाएंगे तो ये है कि आपको गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये प्रिकॉशन इस टिफिन में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कंपनी ने कवर के साथ दे रखा है, जिससे आप इसको इजीली और अच्छी तरीके से कैरी कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसका एक पूरा एक व्यू आपको दिखा देता हूं, पूरा 360 डिग्री का ये व्यू है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप चाहें तो बेल्ट ये हटा भी सकते हैं और प्रॉपर इसमें इस कवर के साथ यूज कर सकते हैं। अब जरा सा देख लेते हैं कि कवर का क्वालिटी कैसी है। देखिए, कवर आपको बहुत अच्छे कह सकते हैं
इसके इसका अगर मटेरियल की बात करते हैं तो मुझे काफ़ी बेहतर डिज़ाइन लग रही है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी दी हुई है और साथ ही साथ अलग अलग बेल्ट सिस्टम दिए जिसको आप इजीली इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों बेल्ट आप बहुत आसान तरीके से बस यहाँ से पुश करना है, ये रिमूव हो जाएगी। तो ये बेल्ट हटा सकते हैं डायरेक्टली, इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कभी भी ये टिफिन आप खरीदते हैं तो पूरा इसको आप पूरा चेक कर लीजिएगा कि कहीं से टिफिन दबा हुआ तो नहीं, अगर दबा हुआ है तो उसको डायरेक्टली वापस कर दीजिएगा, नहीं तो वो टिफिन ना लीजिएगा। अगर ये दबा हुआ नहीं है, एक प्रॉपर इंटैक्ट है, तो फिर आप इसको ले लीजिएगा, तब ये बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से वर्क करेगा। काफी देर तक इसमें ठंडा गर्म, अगर ठंडा रखेंगे ठंडा बना रहेगा, गर्म रखेंगे गर्म बना रहेगा, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक। बट अब काफी लोग कहते हैं कितनी देर तक बना रहेगा ठंडा गर्म, अब उसका जवाब ना कंपनी ने दिया है ना मैं आपको दे पाऊंगा, बट ये है बाकी टिफिन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक बना रहता है। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी की, तो 2140 फोर बॉक्स के टिफिन की एमआरपी है, जिसमें एक बेहतर डिस्काउंट आपको मिल जाता है। वैसे मैक्स टू मैक्स 20% के आसपास का डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है तो काफी अच्छा बेहतर डिस्काउंट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर और भी बेहतर डिस्काउंट में अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है जहां से आप ऑल ओवर इंडिया इसको परचेज कर सकते हैं। जब ये आपके पास डिलीवर हो जाए तो उसके बाद जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने में अगर बिल्कुल खराब आते हैं और आपको लगता है कि ये कहीं से भी दबा हुआ नहीं है, कहीं से भी डैमेज नहीं है, तो इसको भरपूर यूज करिए और कह सकते हैं ना गरम गरम खाने का वो लुफ्त उठाइए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये टिफिन आप लेना चाहते हैं थर्मोसील का, मिल्टन का टिफिन, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस विंटर सीजन में। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।